देखिए, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई और लगातार जिस तरीके से घटनाक्रम है, जितने भी अपोजिशन लीडर्स हैं या जो अपोजिशन पार्टी के जितने भी लीडर्स हैं वो वेल प्रिपेयर्ड पहले से हैं। ये कोई नई चीज नहीं हो रही है और सत्ता में रहने वाले लोग ये कोई नई चीज नहीं कर रहे हैं। दुर्भाग्य इस बात का है, जो लोग चुन करके आए हैं जनता से, आखिरकार वही लोग अन्याय ज्यादा कर रहे हैं। याद रखें कि इस तरह का न्याय और इस तरीके से जो कार्रवाइयां होती हैं हमेशा सरकार को कमजोर करते हैं और वो पॉलिटिकल पार्टीज जनता को फेस नहीं कर सकते, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज आज सरकार में इसलिए हैं क्योंकि जनता ने उन पर भरोसा किया था। क्योंकि 10 साल में महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, जो सपने दिखाए थे वो पूरे नहीं हुए, इलेक्शन मैनिफेस्टो पूरा नहीं किया, 100 स्मार्ट सिटीज नहीं बने। और अगर हम याद करें 2014, वादा तो ये किया था कि नए शहर बनाएंगे, न नए शहर बने, न स्मार्ट सिटीज बने, बेरोजगारी बढ़ी है, किसान की आय 2 गुनी नहीं हुई, बिजली का बिल महंगा है। और जिस कदर बड़े बड़े सपने दिखाए थे इन्वेस्टमेंट के, बड़ी बड़ी मीट की गई थी, क्या हासिल हुआ? जब कोई चीज हासिल नहीं हुई तो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को बदनाम करने के लिए और उन पर पहले से जो कार्रवाई कर रही है अपने अधिकारियों से उनको फंसाने के लिए, सरकार में रह करके कौन सा अधिकारी किसको नहीं फंसा देगा? एसओ से कह दो वो जेल भेज देगा, लेखपाल से कहो वो जमीन के विवाद तैयार कर देगा। तो सरकार में रह करके ऐसी कार्रवाइयों से सरकार मजबूत नहीं होती है। जब कभी भी जनता के बीच में वोट मांगने जाएंगे तो जनता इनको जवाब देगी। क्या लगता है बीइंग एन अलायंस से आप सब साथ हैं, किस तरह से इसको आप लोग विरोध करेंगे और क्या लगता है अभी आप कह रहे हैं? देखिए, अभी अभी हमारा विरोध जैसे जिस स्तर पे जहां जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं सब विरोध कर रहे हैं और जितनी भी अपोजिशन पार्टीज के लोग हैं उन्होंने सबने कहा ये गलत हुआ है। न केवल विपक्ष के लोग कह रहे हैं लेकिन बीजेपी के अंदर बैठे हुए नेता बोल रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, क्योंकि कल उन्हें वोट मांगने जाना है। इन बातों का जवाब कैसे जनता में दिया जाएगा? ये बीजेपी के खुद के नेता इस बात को सोच रहे हैं। एक और सरकार ने उसको कर दिखाया है, जो डेटा था वो सामने आ